सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों, आई एम मनोज कुमार और आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक की। देखिए दोस्तों, जिनको ये चीज नहीं पता है उनके लिए तो ये टॉपिक बन जाता है इम्पोर्टेंट, बट जिनको पता है उनके लिए एक बेसिक सी चीज हो सकती है। आप बखूबी जानते हो कि किसी भी कंपनी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज जो बात करने वाले, आज बात करेंगे हम कि केवल और केवल एक डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, कि किसी भी कंपनी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों होता है, क्या क्या जरूरत होती है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, और वो बना हुआ फाइनेंस डिपार्टमेंट किन किन चीजों पे ध्यान देता है, क्या काम करता है, सारी चीजों की बातें इसी वाले वीडियो के अंदर करने वाले। साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से एजुकेशन या कौन कौन से कोर्सेस आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब दिला सकते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे देखिए डिपार्टमेंट, सबसे पहले एक और नोड पीछे चलते हैं, कंपनी। भाई ये कंपनी होती है, कंपनी किससे मिलके बनती है? कंपनी मिलके बनती है आप जैसे और हम जैसे बहुत सारे लोगों से। वहां पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब सारे के सारे लोग एक जैसी एजुकेशन के नहीं होते, सारे के सारे लोग एक जैसे टैलेंट के नहीं होते। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता, कोई कम पढ़ा लिखा होता, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, तो उसी के हिसाब से उसको जॉब जो है वो ऑफर की जाती है। अब जॉब ऑफर करने के बाद में वो है उसी कंपनी का पार्ट, लेकिन फिर भी उसको एक टैग दिया जाता है कि आप किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हो, आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लेट से कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है और वो सिक्योरिटी की नौकरी में यहां पर ऐड हुआ है, तो सिक्योरिटी मेरा एडमिन के अंदर आता है। तो सिक्योरिटी के अंदर जो बंदा ऐड हुआ है उसको सिक्योरिटी का या एडमिन का डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है। कोई किसी ने बहुत अच्छा कोर्स, बहुत अच्छी एजुकेशन की हुई है, उसका डोमेन डेवलपमेंट का है, तो उसको टेक डिपार्टमेंट दिया गया है। कोई बंदे ने अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ पढ़ा हुआ है और उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, या वो चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उसको भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। किसी ने लॉ की पढ़ाई करी है, वकील बना हुआ है, वकील का कोई भी काम अगर कंपनी से रिलेटेड है और वहां पर वो डिपार्टमेंट है, तो वो लीगल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो जैसी भी नॉलेज होगी उस हिसाब से उसको उस कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो यहां पे मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट लिखे, मेरी बहुत सारी वीडियोस भी हैं जिनके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट की बात हमने की है। एचआर डिपार्टमेंट की बात हम अपनी वीडियोस में कर चुके हैं, एडमिन डिपार्टमेंट की बात कर चुके हैं, और आज ऑन डिमांड हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं। तो बोर्ड पे देखते हैं। देखिए एचआर की बात हम कर चुके हैं, एडमिन की बात कर चुके हैं। एडमिन में कौन कौन से आते हैं एक बार क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। एडमिन के अंदर सिक्योरिटी आ सकता है, क्लीनिंग आ सकता है, पेंट्री बॉय आ सकते हैं, मतलब जो बंदा किसी के अंदर नहीं आ सकता कंपनी में उसको एडमिन में डाल दिया जाता है सीधे सीधे, ये समझिए। लेट से कंपनी के बहुत सारे ड्राइवर हैं वो भी एडमिन में आते हैं। लेट से कंपनी के पास किसी और पर्पस के लिए कोई स्टाफ रखे हुए हैं, लेट से फील्ड बॉय है, वो भी एडमिन के अंदर आते हैं। तो कोई भी बंदा जो कंपनी को किसी भी काम के लिए सपोर्ट करता है और उसका कोई प्रॉपर एक डिपार्टमेंट नहीं है, तो उसको एडमिन में ऐड किया जाता है। परचेजिंग होता है डिपार्टमेंट, परचेजिंग में अलग अलग होते हैं। भाई कोई बंदा रिक्यूशन वगैरह पे काम करता है तो आरएफक्यू डिपार्टमेंट होता है। एक परचेजिंग होता है जो परचेज ऑर्डर वगैरह बनाता है, सेलर से सप्लायर से बात करता है, परचेजिंग का डिपार्टमेंट। टैग डिपार्टमेंट हो सकता है अगर कंपनी आपकी आईटी बेस है या ई कॉमर्स कंपनी है या सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वहां पर टैग डिपार्टमेंट जरूर होगा। टैग के अंदर बेस्ड जैसा आपका बिजनेस है, जैसे आपकी कंपनी का काम है, उसके बेसिस पे बहुत सारे फर्दर डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। लेट से डेवॉप्स हो सकता है, लेट से डीबीएस की टीम हो सकती है, लेट से वहां डेवलपर्स हो सकते हैं, लेट से नेटवर्क एंड एडमिन टीम हो सकती है, लेट से क्यू एंड टेस्टर टीम हो सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो टेक के अंदर ये फर्दर डिपार्टमेंट है, इनमें बहुत सारे अलग अलग जो बंदे हैं वो भी हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं। फाइनेंस की बात हम करेंगे, लीगल डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो लीगली आपकी चीजों को देखे, ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो आपके फंड्स को कितने बैंक्स में कितने की एफडीज करानी है, कितने रिटर्न्स आने हैं, उन चीज को टेक केयर करने के लिए आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी होता है। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे लास्ट में फाइनेंस की, जिसके लिए हमारा आज का वीडियो है। सो दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है ये करता क्या है, कौन लोग होते हैं? भाई ये चीज तो क्लियर है कि इस फाइनेंस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट स्टैंड लोन नहीं होता, इसके अंदर भी बहुत सारे इंप्लॉयज होते हैं जिनकी एजुकेशन, जिनकी क्वालिफिकेशन इस तरीके की होती है कि उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट में टैग किया जाता है।
लेट से एक बंदा अकाउंटिंग का है जिसको क्रेडिट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सभी का बहुत अच्छे से नॉलेज है तो उसको उसमें डाला जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। इकोनॉमिक या कॉमर्स का बंदा है उसको भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर डाला जाता है। क्यों? उसको ये पता है कि कितने की सेल होनी चाहिए, कितने का प्राइसिंग होना चाहिए, कितने का मेरा डिमांड होना चाहिए, कितने क्या रिस्क हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए मेरे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का एक बंदा चाहिए। तो जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स और अकाउंटिंग सीए अकाउंट्स इस तरीके की जो पढ़ाई करते हैं वो सारे के सारे बंदे मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर टैग आउट होते हैं। तो कौन कौन बंदे आ सकते हैं इसका आंसर हमें मिल गया। इसके बाद अभी करता क्या है इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। दोस्तों फाइनेंस डिपार्टमेंट का सिंपल सा काम होता है कब और कहां का आंसर निकालना, मतलब कब पैसा लगाना है। फाइनेंस मतलब पैसा, कमर्शियल मतलब पैसा, कंपनी का पैसा कब लगाना है, कब और कहां का अगर कोई डिसीजन मेकर है तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है कि कब पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है और कहां लगाना है। तो ये जो पूरा एनालिसिस करता है ये करता है मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉरकास्टिंग करता है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, किस तरीके का एनवायरमेंट मार्केट का बनने वाला है उसके हिसाब से एक भविष्यवाणी करके, भविष्यवाणी मतलब फॉरकास्टिंग करके वो डिसाइड करता है कि कंपनी का पैसा कितना कहां लगना है। फॉरकास्टिंग करता है, प्लानिंग करता है, साथ में डिसीजन भी लेता है। किस चीज का डिसीजन लेता है? डिसीजन लेता है वो दो तीन तरीके का। कैसे? अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो वो डिसीजन लेगा इस चीज के लिए कि क्या तो कंपनी की ग्रोथ होगी, कैसे ग्रोथ होगी, मतलब जो भी पैसा कंपनी के पास है चाहे वो इंटरनल कंपनी के पास है या कंपनी का इन्वेस्टेड हो रखा है बाहर लगा हुआ है या फंड्स में लगा हुआ है, एफडीज वगैरह में लगा हुआ है या कंपनी ने किसी से लिया हुआ है पैसा लोन पे, तो उस पैसे को कैसे यूज करे कि कंपनी का ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो। तो इसके लिए जो डिसीजन मेकर है वो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट। क्या डिसीजन लेगा भाई? सबसे पहले तो वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है कि कंपनी की ग्रोथ के लिए, लेट से मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है, लेट से कोई बहुत बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, लेट से टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस है, अब जो मशीन्स लगी हुई हैं वो लेट से कि 1,00,000 पेपर मेरा 1 घंटे में प्रिंट करते हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड ऐसी है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़पेपर है वो और ज्यादा डिमांड में है, उसकी और ज्यादा वैल्यू है मार्केट में, वो बहुत सारे लोगों को और चाहिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट इस चीज पे कॉल लेगा, कंपनी की ग्रोथ के लिए देखेगा कि भाई अब एक ऑटोमेटिक मशीन लेके आते हैं जो मेरी 1 घंटे में 2,00,000 पेपर तक प्रिंट करे। तो इस तरीके के जो डिसीजन है कि ठीक है रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का बंदा ही देगा कि सर मेरी जो मैं मतलब ये जो प्रिंटिंग है वो स्लो चल रही है, आपको इसे फास्ट करना चाहिए, लेकिन उस पर जो डिसीजन लेगा वो मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो बंदा होगा, जो हेड होगा, जो मैनेजर होगा, वो उस पर डिसीजन लेगा कि कितने पैसे की कौन सी मशीन हमें परचेज करके लानी चाहिए। देखिए परचेजिंग डिपार्टमेंट भी है, कंफ्यूज नहीं होना है। परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग अलग सेलर सप्लायर से मेरा क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट उस मशीन्स के रेट लेगा, जो सबसे बेहतर मशीन्स दे रहे होंगे, जिनके अच्छे कोट होंगे, जिनकी रेटिंग अच्छी होगी, उसके बेसिस पे फाइनलाइज करके वो सारी की सारी चीजें सबमिट कर देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। देन फाइनेंस डिपार्टमेंट कॉल लेगा कि इन सब में से हमें किसे शॉर्टलिस्ट करना है। और क्योंकि देखिए छोटी मोटी चीजों का डिसीजन तो मेरा परचेजिंग का बंदा ही ले लेता है, बट जब कंपनी की लाखों या करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किसी मशीन पे होता है, मैं एग्जांपल मशीन का ले रहा हूं, वो कोई भी चीज हो सकती है कंपनी की ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है, कंपनी में एम्प्लॉयज की कंफर्ट के लिए भी चीज हो सकती है, लेट से प्रिंटर परचेज किए जा रहे हैं जो यहां पर आकर पूरी तरह से मतलब खर्चा ही है, प्रिंटर खर्चा है जो कोई ग्रोथ नहीं देगा, लेकिन उससे हो सकता है कि डेली बेसिस पे कंपनी को इस तरीके की रिपोर्टिंग कहीं पे सबमिट करती हो कि वहां पे वो पेपर्स प्रिंटेड जल्दी हो जाएं। तो कुछ भी, चाहे वो प्रिंटिंग का जो एग्जांपल लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया का हमने, चाहे तो वो हो कि हमें एक बड़ी मशीन खरीदनी, तो उसका डिसीजन मेरा कौन लेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। किसमें? कि कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी मशीनरी खरीदनी है, कौन सा इक्विपमेंट खरीदना है, कहां इन्वेस्ट करना है। तो एक हो गया। दूसरा होता है फाइनेंसिंग का डिसीजन लेता है। फाइनेंसिंग का डिसीजन क्या भाई? कि कितना पैसा मेरे इक्विटी में या शेयर होल्डर के साथ लगा हुआ है, कितना लगाना है,
कितना शेयर होल्डर्स से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन लेना है, तो वो फाइनेंसिंग के अंदर ही फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा, जो उसको लीड कर रहा होगा, उसका कॉल है कि कितना पैसा मुझे अपने शेयर होल्डर्स के साथ लगाना है, ठीक है। दूसरा, कितना डेबिट होना है कंपनी ने, कुछ एक लोन्स लिए हुए हैं, कितना पैसा वहां जाना है, उनकी इंस्टॉलमेंट कितनी है, कितना इंटरेस्ट है, सारी चीजों का जो कॉल होगा वो फाइनेंसिंग के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट लेगा, ध्यान में रखते हुए कि कंपनी की ग्रोथ हैम्पर ना हो जाए, कंपनी का डेवलपमेंट, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी जिस ट्रैक पे चल रही है वो हैम्पर ना हो जाए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए फाइनेंसिंग का कॉल भी मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट लेगा। तीसरा, डिविडेंड का भी जो डिसीजन है वो भी मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट ही लेगा। कैसे? कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, जो भी आपने फाइनेंसिंग किया, उसके बेसिस पे जो भी ग्रोथ हुई, जो भी कंपनी के पास पैसा आया, उसका कितना परसेंट, देखिए ऐसा नहीं है कि आपने कुछ हजार रुपए कमाए, हजार में से आपने 50 बैंक को दे दिए और 50 सीधे आपने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए, कंपनी के पास कुछ नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है। कितना पोर्शन में, कितना परसेंटेज आपको अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना परसेंटेज आपको मार्केट में लगाना है, कितना परसेंटेज आपको बैंक्स में एज ए लोन जो आपने लिया हुआ है वो चुकाना है, कितना परसेंट आपको एफडीज में लगाना है, कितना परसेंट आपको अदर मार्केट में जो फाइनेंस जो आपके पैसे की ग्रोथ करते हैं, अलग अलग जो कमर्शियल कंपनीज होती है वहां लगाना है, तो ये सारी चीजों का जो परसेंटेज, जो डिविडेंड, जो जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया जो एक पूरी पिक्चर बनाता है वो भी मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है। तो कहीं भी कंपनी में पैसे का लेन देन होगा, किसको ध्यान में रखते हुए? कंपनी की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, कहां पैसा जा रहा है, कब जा रहा है और कितना जा रहा है, इन तीनों के आंसर्स देने के लिए ही फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों मेरा होता है। तो होपफुली मैं बिल्कुल आशा कर सकता हूं कि मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो भी काम होता है वो मैंने आपको यहां बखूबी समझाने की कोशिश की है। आगे की वीडियो जरूर देखते रहिएगा जहां पर हम फाइनेंस से ही रिलेटेड और भी चीजों की बात करने वाले हैं। दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू so much।